guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing good, well and safe. So today in this video, I am back after a long time, but I hope you have seen my previous vlogs, and if you haven't, please go and check out my previous vlogs, my videos as well. So today in this video, I'm going to share you the viral blush technique wala hack trend. Bahut hi abhi trending video hai ye. सो देखते हैं कि कैसे टर्न आउट होता है मेरे लिए. सो मैं टू वेज में इसको ट्राई आउट करने वाली हूँ. सो मैं आपको वो वीडियो में शेयर कर दूँ कि टू वेज कैसे होने वाला है. बहुतों ने किया है वन वे पे, मतलब बोथ वेज पे ही ट्राई किया, बट मैं बोथ साइड पे अलग अलग वे से ट्राई करने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर अडू एंड वेस्टिंग टाइम, लेट्स हॉप इनटू द वीडियो. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, यू हैव टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड यस सब्सक्राइब टू माई चैनल टू बिकम माई फैमिली मेंबर, अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. सो यस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं एक वीडियो देखना चाहती हूँ ताकि आप लोग का भी नॉलेज क्लियर हो जाए, मेरा भी क्लियर हो जाए. सो वो फटाफट देखते हैं और उसके बाद फिर ट्राई आउट. ओके, सो फर्स्ट वे में था कि हम लोग को यहाँ पे लिपस्टिक लगाना है, रेड लिपस्टिक. एंड कोई ज्यादा लगा रहा है, कोई कम लगा रहा है. मैं सोच रही हूँ कि मैं मीडियम लगाऊंगी अकॉर्डिंग टू द कवरेज ऑफ द फाउंडेशन. सो यहाँ पे हमें पहले रेड लिपस्टिक लगाना है इन दिस वे. उसके बाद वी हैव टू कंटूर, हम लोग को ऐसे करके ब्राउन कंटूर लगाना है. एंड देन वी ब्लेंड इट आउट विद अ स्पंज. एंड यस, उसके बाद हम लोगों को करना है फाउंडेशन. एंड जैसे नॉर्मल मेकअप होता है वैसे. सो मेनली द मेन पार्ट ऑफ दिस मेकअप इज अर ब्लश, नीचे रहेगा उसके ऊपर हम लोग का फाउंडेशन एंड ऑल रेड. एंड हाँ, ब्लश लगाने के बाद उन्होंने कंसीलर भी लगाया है. सो यस, चलिए हम अपना वायरल टेक्निक स्टार्ट करते हैं. सो यस, ओके, सो बिफोर यूजिंग दिस स्वीस ब्यूटी प्राइमर, आई हैव ऑलरेडी डन माई स्किन केयर, दैट इज आई हैव वॉश्ड माई फेस एंड आई हैव अप्लाइड द टोनर, then a moisturizer, and after that I have used lather of sunscreen because I was shooting and sunscreen is must. Ghar pe raho ya bahar, sunscreen is a must. And after that I'm using this primer which gives a highlighting effect as well. Okay, so let's start. So this is the right side of my face, and wahan pe main use karne wali hu liquid sab cheez, like liquid lipstick, liquid foundation. So here I am using this Maybelline's red lipstick which is good in pigmentation, no doubt. So here I have applied, and yahan pe main sponge se blend karungi, and mere left side mein I'll use a brush to blend it. So here I have used the red lipstick by Maybelline, and I am using a sponge to blend it out very nicely and very evenly. So blending is the key to a good makeup, and we have to blend, and I'm just loving the effect. And मैं अपना थोड़ा फोरहेड में लगा रही हूँ because this is a liquid lipstick, तो जल्दी ड्राई हो जाता है. सो इसलिए मैं ब्रेक में लगा रही हूँ. सो blend. We have to blend it very nicely, very evenly. So this is my left side, and वहाँ पर मैं एक bullet lipstick use कर रही हूँ. This is by the brand Stay Quirky Badass. So यहाँ पे मैं रेड बुलेट लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, एंड मैंने डायरेक्टली अप्लाई करी है फोरहेड पे बिकॉज ये सूखने का चांसेस में है नहीं, इट इज मैट डेफिनेटली बट सूखेगा नहीं. एंड विद अ ब्रश आई एम ब्लेंडिंग इट वेरी नाइसली. सो कैन यू सी, मेरे थोड़े नोज एरिया में ये रह गया है, तो मैं लिपस्टिक और थोड़ा सा लेके मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी बहुत ही अच्छी तरीके से, सीमलेसली. जो भी मेकअप करना है हमें वो अच्छे से ब्लेंड तो ज़रूरी करना है. नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ एक लिक्विड कंसीलर, दैट इज़ बाय एलेगर्ल और लागल, आप लोग जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं. सो जैसे कंसीलर हम अप्लाई करते हैं वैसे हम अप्लाई करने वाले हैं. एंड मैं थोड़ा सा भूल गई थी, हमें थोड़ा चिन में भी लगाना है. सो मैं चिन में बाद में लगाऊंगी, आप लोग वो देख ही सकेंगे.
सो यहाँ पे भी मैं अच्छे से स्पंज से ब्लेंड कर लूँगी, मतलब एक ब्यूटी ब्लेंडर से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है ताकि वो अच्छे तरीके से यू नो सीमलेसली ब्लेंड हो जाए। सो वाइल डूइंग दिस ब्लश वाला चैलेंज विच इज़ वेरी ट्रेंडी इन द मार्केट इन इंस्टाग्राम फेसबुक वेरेवर, सो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि हमें जो लोगों की स्किन में एक्ने का बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब एक्ने स्पॉट्स रह जाते हैं, जैसे कि मेरे स्किन में थोड़े बहुत एक्ने स्पॉट्स रह गए हैं। सो ये रेड लिपस्टिक जो हम लगा रहे हैं वो ब्लश का तो काम कर ही रहा है एज वेल एज करेक्टर का भी काम करता है, मतलब ऑरेंज करेक्टर। तो आप लोगों के एक्ने स्पॉट्स का जो वो मार्क रहता है वो बहुत कवर हो जाता है। सो यहाँ मैं इनसाइड का ये कंसीलर एज वेल एज फाउंडेशन भी कह सकते हैं, सो ये कंसीलर का भी काम करता है, फुल कवरेज है। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ अपने लेफ्ट साइड में एंड मैं यहाँ पे चिन्ने भी लगा रही हूँ एंड मैंने यहाँ पे अभी चिन्ने लगाया, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग देखेंगे, मैं भूल गई थी। सो यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ एंड मेरे लेफ्ट साइड में आई ब्लेंड इट विद द ब्रश वेरी नाइसली वेरी इवनली। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम लविंग माई लेफ्ट साइड वाला एरिया जहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से एक लाइट पिंक इफेक्ट आया है। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग अ इनसाइड का पैलेट वेयर आई एम हैविंग माय करेक्टर्स एंड कंटूर, सो आई एम यूजिंग द डार्केस्ट शेड ऑफ दैट पैलेट। आई नो कैमरे में थोड़ा लाइट दिख रहा है बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट लाइट। सो ये क्रीमी टाइप का एक कंटूर है, सो लिक्विड भी नहीं कह सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा टाइप, मतलब थोड़ा सा क्रीमी इफेक्ट देता है। सो आई एम यूजिंग दिस एंड आई एम कंटूरिंग द एरियाज आई वांट टू कंटूर एंड आई विल ब्लेंड इट विद द ब्यूटी ब्लेंडर डेफिनेटली। सो आई एम लविंग अभी एंड एंड में आप लोग देखना कि कौन सा साइड आपको पसंद आया एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना एंड एंड में आप लोग मेरा तो देख ही लेंगे कि मुझे कौन सा साइड पसंद आया। उसके पहले आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग कौन सा साइड अभी अच्छा लग रहा है। भाई साहब ब्यूटी ब्लेंडर का हालत देखिए पूरा रेड हो गया है, सो मैं दूसरे साइड से उसे ब्लेंड कर रही हूँ वरना पूरा फेस रेड हो जाता। सो मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंड एंड लेफ्ट साइड में हम एक स्टिक वाला कंटूर यूज़ करने वाले हैं, तो वो भी आप लोग देख लेंगे। सो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ब्लेंड हो गया है एंड रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, हैप्पी विद द रिजल्ट। सो लेट्स सी लास्ट में क्या होता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये वाला एंड अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है ये वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट यू गाइस कैन गेट कनेक्टेड विद मी एंड व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियोस आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक कंटूर इन ब्राउन, सो मैं एक ब्रश की हेल्प से ले रही हूँ सिमिलरली बिकॉज ये ख़त्म हो गया है एंड मैं इसको कंट्रोल कर ले रही हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से जहाँ जहाँ मैंने कंट्रोल किया था एंड उसके बाद मैं ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। एंड ये वाला थोड़ा डार्क दिख रहा है बट ये डार्क है, पर उससे लाइट है जो मैंने यूज़ किया था उससे लाइट है बट ये डार्क है ओवरऑल, पता नहीं कैमरा में एक एक चीज़ अजीब क्यों दिखता है। सो यहाँ पे मैं कंट्रोल कर ले रही हूँ एंड उसके बाद मैं ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। सो इन्जॉय आई एम लविंग दिस, अगर आप लोग कर रही है ये वाला टेक्निक आफ्टर सीइंग दिस वीडियो सो आई एम लेटर टू दिस वीडियो नो डाउट। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर टैग करना, मैं आप लोगों का स्टोरी भी पोस्ट करूँगी, आप मुझे फेसबुक में भी टैग कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक ब्रश ले रही हूँ एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट आउट वेरी नाइसली। सो हियर आई एम टेकिंग दिस शेफोराज फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन राइट साइड में एंड मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट टू पम्प्स ले रही हूँ, नहीं टू पम्प्स नहीं वन एंड हाफ पम्प्स एंड उसके बाद विद द ब्यूटी ब्लेंडर आई ब्लेंड इट वेरी नाइसली एंड वहाँ पे थोड़ा सा लग गया था बॉटल में सो मैंने फिंगर से ले लिया एंड विद द ब्यूटी ब्लेंडर दूसरे साइड से मैं ब्लेंड कर रही हूँ वरना फेस पूरा जोकर की तरह रेड हो जाता। दिस इज़ अ वेरी गुड कवरेज फाउंडेशन, आप लोग देख सक रहे हैं इतना अच्छा कवरेज है इसका, इसने पूरा रेड वाला ब्लश वाला इफेक्ट ही कवर कर दिया। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग फाउंडेशन नहीं लगाना चाहते आप लोग लेफ्ट वाला साइड
का टेक्निक ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा रेड लिपस्टिक, ब्लू लिपस्टिक या फिर लिक्विड लिपस्टिक लगा के यूजिंग कंटूर, कंसीलर एंड योर डन विद मेकअप एंड यस ऑफ कोर्स अ पाउडर सो दैट क्रीज ना करे. सो विदाउट फाउंडेशन लेफ्ट वाला साइड इज लुकिंग वेरी नाइस. सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो विद दैट एज वेल. बट दो आई एम डूइंग अ वायरल ब्लश वाला टेक्निक, सो आई एम डूइंग ऑल दी स्टेप्स रिक्वायर्ड. सो येस आई एम ब्लेंडिंग इट वेरी नाइसली. यहाँ पे पूरा रेड हो गया है, सो मैं कंफ्यूज हो गई थी मैं कहाँ से लगाऊँ, बिकॉज एक जगह ब्राउन एक जगह रेड, पूरा हालत ख़राब हो गया है ब्यूटी ब्लेंडर का. सो येस आई एम डन विद द ब्लेंडिंग पार्ट. द ब्लेंडिंग इज डन वेरी नाइसली, बहुत ही स्मूथ ब्लेंडेबल सीमलेस इफेक्ट दिया है एंड आई एम लविंग द रिजल्ट. ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस आई एम यूजिंग दिस कलर एसेंस का स्टिक वाला फाउंडेशन, सो वो मैं वहाँ पे यूज़ करके ब्रश के से ब्लेंड करूँगी. सो विद द हेल्प ऑफ द ब्रश आई एम ब्लेंडिंग इट आउट, जैसे कि मैं लेफ्ट साइड में अपना ब्रश यूज़ कर रही थी और राइट साइड में स्पंज, सो मैं उस साइड में कलर एसेंस का स्टिक फाउंडेशन लगा के एंड आई एम ब्लेंडिंग इट वेरी नाइसली बहुत ही अच्छी तरीके से. लेट्स कम टू जजिंग पार्ट. सो मैं यहाँ पर अपने मिरर लेके आ गई हूँ एंड लेट्स सी बोथ द साइड्स, बोथ आर प्रीटी ओके. बट मुझे ये अपना लिक्विड वाला साइड ज़्यादा पसंद आया बिकॉज यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे जो ये ट्रेंड है ब्लश वाला टेक्निक वाला ट्रेंड की आप लोग अगर बेस के नीचे अपने फाउंडेशन के नीचे अगर ब्लश लगाते हैं तो ये ब्लशी ग्लो आता है, आप लोग को एक्स्ट्रा ब्लश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो आई एम लविंग दिस साइड, बहुत ही अच्छा एक मतलब क्या बोले सीमलेस ब्लेंडेबल फिनिश आया है इस साइड पे. रैदर इस साइड पे ब्लेंड इज ओके बट यहाँ पे तो ब्लश वाला इफेक्ट नहीं है इस पोजिशन में. सो दिस वर्क गुड फॉर मी. अगर इस साइड में ज़्यादा रेड लिपस्टिक का क्वान्टिटी होता तो फिर शायद कवर हो जाता, बट आई थिंक दिस साइड में लिक्विड लिपस्टिक था इसलिए ये वाला अच्छा फिनिश किया है, यहाँ पे कम हुआ था अकॉर्डिंग टू दिस. सो दिस साइड इज ओके फॉर मी, दिस वाई ओके. जिन लोगों को ज़्यादा ब्लश पसंद नहीं है, रेडी चीक्स पसंद नहीं है, वो लोग के लिए दिस साइड इज प्रीटी मच फाइन, बट दिस साइड फॉर मी इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. जिन लोगों को ड्यूवी फिनिश पसंद है, ब्लेंडेबल है, एकदम नेचुरल लुक पसंद है, वो लोगों के लिए दिस साइड इज प्रीटी मच ओके. एंड जिन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा मेकअप पसंद है, फॉर देम आप लोगों को एक्स्ट्रा ब्लश ब्रॉन्जर लगाने की जरूरत पड़ती है, बट दिस साइड इज गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ नेचुरल लुक एंड दिस साइड इज थोड़ा सा ब्लश ब्रॉन्जर लगेगा ज़्यादा. ओके आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो. मैंने बोला कि मैं आई मेकअप करूंगी पर मैंने किया नहीं, आई हैव जस्ट अप्लाई लिटिल बिट ऑफ मस्कारा एंड अ ब्राउन लिपस्टिक. सो येस दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई थिंक दिस वीडियो वॉज क्वाइट हेल्पफुल टू यू एज वेल. इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू गाइज, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है एंड उसके लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो और एक चीज़ मैं आप लोगों को अनाउंस करना चाहती हूँ कि मैंने एक अपना फूड चैनल खोला है जिसका नाम है फूडी सोल एंगेज. सो लेट्स एंगेज ओवर देयर. आप लोग अगर फूडी है प्लीज engage to my channel, let our foodie team engage together. So मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, स्क्रीन में भी मैंने एक मतलब स्क्रीनशॉट दे दिया है. सो आप लोग चाहें तो आप लोग वो चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैंने वो चैनल खोला बिकॉज आई लव कुकिंग. सो मैं वहाँ पे अपना न्यू रेसिपी बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ एंड मैं उसका नोटिफिकेशन नहीं, उसके पहले मैं आप लोग को इंस्टाग्राम में इन्फॉर्म कर दूंगी. आप लोग इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, स्क्रीन में भी मेंशन किया हुआ रहेगा. सो ऐसी हम नेक्स्ट वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यस सपोर्ट मी. इतना तक जर्नी आ गया है एंड मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ ऐसे और भी लॉन्ग जर्नी किया जाए. सो यस दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम. आई लव यू ऑल.